CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला विज्ञान गीत। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम कहानी कपड़े की। अरे वाह सोनल, आज तो तुमने बहुत ही अच्छी फ्रॉक पहनी है, कितनी अच्छी लग रही है ना? मेरे पापा ने जन्मदिन पर गिफ्ट में दी थी। और तुम्हें पता है ये रेशमी है। अच्छा, वैसे तुम्हारी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है, कितना सुंदर रंग है इसका, है ना? सूती है क्या ये? हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने, ये सूती है। वैसे रेशमी, सूती, खादी, ऊनी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतने तरीके के कपड़े आए कहाँ से। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत सारे कपड़ों के नाम मालूम है, मुझे भी बताओ ना कहाँ से सीखा। एक बार मैंने एक गीत सुना था कपड़ों के बारे में। आओ चलो सब मिलकर जाने, गाते गुनगुनाते, जुड़ गए कैसे कपड़ों से इंसानों के नाते। आओ चलो सब मिलकर जाने, कपड़े का चलन क्या रूप यही था चलन में तब, घास और पत्तों से ढकता था वो अपना शरीर तब, पशुओं की खाल ओढ़ी उसने, आ गया जब करना शिकार, तन ढक के उसने जाना कैसे मौसम जाए हार। आओ चलो सब मिलकर जाने, गाते गुनगुनाते, जुड़ गए कैसे कपड़ों से इंसानों के नाते। आओ चलो सब मिलकर जाने। करने लगा नए प्रयोग अब वो धीरे धीरे, जानवरों के बालों की लड़ियां बनाई धीरे धीरे, लंबी लड़ियों को बुनकर फिर कपड़े उसने बनाए। अजब अनोखी बात हुई जब उसने सीखी सिलाई। आओ चलो सब मिलकर जाने, गाते गुनगुनाते, जुड़ गए कैसे कपड़ों से इंसानों के नाते। आओ चलो सब मिलकर जाने। गुजरा समय धीरे धीरे, बीते हजारों साल, धीरे धीरे चलन में आया रेशम और कपास। चलते चलते साथ समय के उसने बुनना सीखा, कपास की कोमल रुई को उसने धुनना सीखा। रुकता नहीं है कभी समय, जमाना मशीनों का आया, भिन्न भिन्न कपड़ों की छटा से सबका मन हर्षाया। हम सब ने मिलकर जाना, गाते गुनगुनाते, जुड़ गए कैसे कपड़ों से इंसानों के नाते। आओ चलो सब मिलकर जाने, गाते गुनगुनाते, जुड़ गए कैसे कपड़ों से इंसानों के नाते। आओ चलो सब मिलकर जाने। साथियों, हमें उम्मीद है कि ये गीत आपको जरूर पसंद आया होगा।
आप कई प्रकार के कपड़े अपने आसपास देखते होंगे, है ना? क्या आप कपड़ों के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा नहीं करना चाहेंगे? आपके मन में कपड़ों के बारे में जानने की उत्सुकता जरूर होती होगी। मालूम कीजिए कि हमारे देश में वस्त्र उद्योग कहां कहां है, कपास की खेती कहां कहां होती है और उन्हीं स्थानों पर क्यों होती है। उन पशुओं के नाम मालूम कीजिए जिनके बालों से ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। मालूम कीजिए कि रेशमी वस्त्रों के लिए रेशम कहां से आता है। कहानी कपड़े की। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय समन्वय, संकल्पना एवं आलेख डॉक्टर रुचि वर्मा, संगीत हरभजन सिंह, गायन स्वर नेहा वत्स, रक्षित, अभिषेक और बच्चे, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। विशेष आभार डॉक्टर अंजनी कौल तथा निर्माण एवं प्रस्तुति विमलेश चौधरी।